कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कई कमेंट आए कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाइए, तो पूजा पाठ की मैं आपको कम देती हूँ वीडियो, बाकी मैं पूजा पाठ रोज ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब मुझे शांति मिलती है पूजा पाठ करने से। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद मैं गीता पाठ करती हूँ और उसके बाद मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ, उससे मुझे बड़ी शांति मिलती है और मैं अपने भगवान के नाम अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो ये चीज़ मैं इसलिए नहीं दिखाती आपको अपनी वीडियोस में कि वीडियो लंबी हो जाती है, रोज़ एक एक चीज़ देख के आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आज मैं अपना सुबह से जो रूटीन होता है 5:30 उठती हूँ मैं और फिर फ्रेश होकर नहा के 5:45 तक बाथरूम से आती हूँ, तो वहीं से आपको अपना रूटीन दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए टिफिन बनाती हूँ, क्योंकि अब शिप्रा चली गई तो मेरा यहीं पे नहाना धोना होता है, और जब शिप्रा थी तो मैं उधर से आके और फिर उधर से नहा के ही आती थी और फिर यहाँ अपना रूटीन शुरू करती थी। तो अब ये है कि शिप्रा भी गई और अथक भी गया, तो बिल्कुल बस अब मैं यहीं सोती हूँ, तो यहीं पे मेरी जो दिनचर्या है यहीं शुरू होती है। और भगवान में तो मेरा मन हमेशा ही लगा रहा। मैं जब 14-15 साल की तब थी, तब से मैं बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह करती थी, मेरे इतने व्रत हुआ करते थे, तब मैं रामदेव जी को माना करती थी। और रामदेव जी फिर मास्टर जी को नहीं जचे रामदेव जी को पूजना, या उनके घर में ठाकुर जी की सेवा थी तो वो नहीं मानते थे रामदेव जी को। हमारी सास जरूर मानती थी लेकिन मास्टर जी नहीं मानते थे, तो फिर मैंने रामदेव जी की जो है भक्ति वो छोड़ दी थी और मैं यहीं पर ठाकुर जी की सेवा में लग गई। तो जब से ही मेरी तो खैर ठाकुर जी की सेवा तो वो मास्टर जी करते थे, लेकिन मेरे जो पूजा पाठ थे वो हमेशा ही चले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मतलब आज तक ख़त्म हुई, भगवान से नहीं हुई थी ख़त्म। उस टाइम थोड़ी बहुत हुई जब पल्लव जी गए, तो उस वक्त मेरी थोड़ी सी आस्था भगवान से ख़त्म हुई, फिर मास्टर जी गए तब भी थोड़ी हुई, लेकिन बस यही सोचा कि हाँ किस्मत में लिखा होता है, जिसकी जितनी उम्र होती है तो उतना ही वो इंसान जी सकता है। मुझे मेरे एक नंदोई हैं, उन्होंने ये बात कही थी जब पल्लव जी गए थे इस दुनिया से, तो मैं बहुत रो रही थी, वो आए थे मेरे पास इनके ताऊ जी की जो लड़की है उनके हस्बैंड, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतना भगवान का करती हूँ फिर भी भगवान ने मुझे ये दुख क्यों दिया। तब उन्होंने कहा था बाई, बाई बोलते हो, उन्होंने बोला बाई तेरे कर्म तेरे साथ है और जिनकी जितनी उम्र थी वो उतनी उम्र लेकर चले गए, ये सब भगवान की इच्छा होती है और भगवान के यहाँ से जितनी उम्र जो लेकर आता है वो उतनी उम्र जी के चला जाता है, तो तू दुखी मत हो, तेरी भक्ति तेरे साथ है, तो ऐसे बोलते हो। तो फिर मुझे थोड़ी ये बात समझ में आई और मैं वापस थोड़ी बहुत पूजा पाठ में लगी। फिर मास्टर जी चले गए तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मुझे करनी ही थी क्योंकि मास्टर जी छोड़ के गए। तो मेरा पूजा पाठ का जो आस्था है मेरी भगवान पे वो हमेशा रही, और मैं 14-15 साल की से ही भगवान को बहुत माना करती थी, मेरे बहुत व्रत हुआ करते थे और ऐसी मैं काफ़ी किताबें पढ़ती थी जिनमें भी भगवान के ही कई होते थे, कि किसी की कहानियां पढ़ लेती थी कि उसके लिए भगवान ने ये किया और उसके लिए ये किया, और कई लोग अपनी जो लिखते थे कथाएं कि भाई
हमारे भगवान ने ऐसी भक्ति करने से ऐसे किया ऐसे किया, तो फिर वो मेरी भी आस्था बैठ गई थी भगवान पे उस वक्त से, जब मैं 14-15 साल की थी। तो फिर मैं भगवान की पूजा हमेशा किया करती थी, व्रत हमेशा किया करती थी, और अभी भी मैं व्रत बहुत करती हूँ। मेरी बहू मुझे मना करती है कि अब आप डायबिटीज पेशेंट हैं, अब इतने व्रत मत करें मम्मी, लेकिन मेरी आस्था भगवान पर है। 11 एकादशी तो मैं जरूर करती हूँ और पूर्णिमा का व्रत मैं जरूर करती हूँ। जो बच्चों के साथ हुआ या मेरे साथ हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, और अब वापस ये है कि मेरा रूटीन मेरे घर में ही शुरू हो गया अब, क्योंकि मुझे दो घर संभालने पड़ते थे तो इतना नहीं हो पाता था, लेकिन भगवान की भक्ति मैंने हमेशा की। तो आज थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो में बस ठाकुर जी की सेवा और अपना दिखा रही हूँ पूजा, तो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए, अभी बहुत ही बढ़िया कमेंट आए हैं, जिनको मैं एक बार उनके नाम लिख लूंगी और फिर बोलूंगी आपके नाम लेकर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा, अभी भी बहुत अच्छे मतलब कमेंट लिख के और मेरे दिल को थोड़ा सा बैठा है, क्योंकि शिप्रा तक चले गए तब भी सब लोग आप समझा रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी बन गई है, तो आंटी आप चैन से रहो। और एक कमेंट ये भी आया कि मास्टर जी ने भी दूसरा जन्म ले लिया होगा, तो अब आप बस भगवान की भक्ति मन लगाइए। तो मुझे एक बार तो बुरा भी लगा कि मास्टर जी ने दूसरा जन्म ले लिया होगा, लेकिन एक शांति भी हुई मन में, लेकिन मास्टर जी को मैं कभी नहीं भूल सकती और ना मैं भूलूंगी मरते दम तक। उनको तो मैं हर बात में याद करूंगी, हर वक्त वो मेरे दिमाग में रहेंगे, चाहे मास्टर जी हैं चाहे पल्लव जी हैं, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगे। और मैं नहीं ऐसा सोचती हूँ, हालांकि उनको मोक्ष मिल गया होगा, सब मिल गया होगा, जितना अच्छा इंसान होता है ना उसको मोक्ष मिलता है, पल्लव जी को भी मोक्ष मिल गया होगा और मास्टर जी को भी मोक्ष मिल गया होगा, क्योंकि मास्टर जी बहुत भक्ति करते थे भगवान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब कोई जन्म मिलेगा या नहीं, लेकिन उनको मोक्ष मिल गया होगा, वो भगवान के पास ही गए सीधे। तो बस आज की वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, और बेटे के जाने के बाद मैं करती हूँ सब, अथक चला जाता था बेटा चला जाता था, उसके बाद मैं हमेशा ही करती हूँ, शिप्रा चली जाती थी, शिप्रा भी 8:30 आती थी, तो वो चीज उसके बाद मैं करती थी अपने भगवान की भक्ति। अब ये वक्त हो रहा है 8:15 का, 8:15 शिप्रा आती थी, फिर उसके बाद वो चली जाती, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी सफाई फाई करके अपने भगवान का जो पूजा पाठ है वो किया करती थी, और अब तो जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बेटा 7:30 निकल गया था, तो क्योंकि उसको 9 बजे गांव पहुंचना पड़ता है तो वो निकल जाता है, 1.5 घंटा उसके लगता है तो वो निकल जाता है जल्दी। तो उसके बाद जो काम किए, मतलब बाकी काम तो रोज ही दिखाती हूँ आपको अपनी वीडियो में, आज अपनी पूजा पाठ दिखा रही हूँ, तो देखिएगा वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए लोग हैं तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर तरह की वीडियो बनाती हूँ मैं। और अभी तो शादी की वीडियो चल रही है, और इस वीडियो से पहले शादी की वीडियो आ जाएगी आपके पास, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मेरी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, शिप्रा चली गई, अथक चला गया, तो अब मैं यहीं सोती हूँ अपने बेटे के पास, और सुबह 5:30 उठ जाती हूँ, जो 6:15 तक मैं नहा के और बाथरूम से आ जाती हूँ, और उसके बाद थोड़े से बाल वाल सेट करके और फिर अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ती हूँ मैं। मेरी आदत है कि मेरे सास ससुर की फ़ोटो लगी हुई है, इनकी फ़ोटो लगी हुई है, तो उनको मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान को हाथ जोड़ती हूँ, और उसके बाद ही कोई काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे 6:45 बज चुकी हैं, एमी बहुत जल्दी उठ जाती है, बीच में एक बार मुझे उठना पड़ता है, एमी को उठा के बाहर छोड़ना पड़ता है सुसु पोटी के लिए, तो वो पहले ही उठ जाती है। इसके बाद मैं बस किचन में जाके और थोड़ा सा किचन को साफ़ करती हूँ, जैसा कि आपको रोज़ ही मालूम है मेरा डेली रूटीन यही रहता है कि मैं उठ के और नहा धो के आके और किचन में मैं नहा के ही घुसती हूँ, तो बस जो रात की थोड़ी बहुत
किचन अपसेट होती है उसको सेट करके और फिर मैं स्लैब को पहुंचती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैम रहता है कॉकरोच वगैरह का, और कॉकरोच वगैरह होते भी हैं। तो दूध लेके आ रही हूँ और उसके बाद मैं गर्म पानी करूँगी। पहले अपने लिए गर्म पानी करती हूँ क्योंकि बेटा सोया रहता है, वो 6:30 बजे उठता है, फिर उसके लिए गर्म पानी करती हूँ। वो सौंफ का पानी पीता है, मैं सिंपल पानी पीती हूँ। तो पहले अपना गर्म पानी करती हूँ, उसके बाद मैं आटा वाटा लगा के और उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, क्योंकि उसे जाना होता है, गांव जाना होता है। तो कभी कभी वो सब्जी रोटी ले जाता है तो कभी खाली पराठे ले जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं क्या है कि वहाँ अच्छा नहीं लगता खाना वाना, तो फल ले जाता है वैसे वो। तो बस उसके लिए टिफ़िन में मैं कभी सब्जी रोटी बना देती हूँ तो कभी पराठे बना देती हूँ। तो आज मैं पराठे बनाऊँगी, बड़ी मुश्किल से वो पराठे ले जाता है। तो बस यहाँ पर मैं एक बार हाथ धोती हूँ पानी पी के, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। इन सब कामों के बाद मैं अपने भगवान की पूजा करती हूँ, क्योंकि पहले जो ज़रूरी वो ही करना पड़ता है, कि जब जाना होता है सबको। तो पहले वो बच्चे भी आते थे, जैसे अथक भी आता रहता था, कभी कोई चीज़ लानी है, कभी कुछ ले जानी है, यहीं पड़ी रहती थी उसकी चीज़ें, तो वो भी आता रहता था। तो जहाँ डिस्टर्बेंस होता है वहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती है। इसलिए सबके जाने के बाद मैं भगवान के लिए अपने काम करती हूँ, जैसे ठाकुर जी को नहलाना है, या अपने कोई पाठ पूजा करनी है, अपने कोई मंत्र बोलने हैं। मैं जो भी मेरे मन में, मतलब जो मेरे मन को शांति देते हैं, जो मंत्र वगैरह, उसी को मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पराठे बना रही हूँ क्षितिज के लिए, और चाय बनाऊँगी, और उसके बाद जब वो चला जाएगा तो फिर अपनी पाठ पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना के उसकी फटाफट टिफ़िन में रख दूँगी। मैं जब उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ तो मुझे बहुत, मतलब टेंशन मिट जाता है। जब किसी का टिफ़िन हमें बनाना होता है तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो नमक मिर्ची वाले पराठे मैंने बनाए, छोटे से टिफ़िन में लेके जाता है वो, टिफ़िन वगैरह भी ज़्यादा बड़ा टिफ़िन नहीं ले जाना चाहता है। बस केवल कहता है ज़रा सा रख दो, 2 पराठे रख दो, सब्जी है तो सब्जी उसी में रख दो मम्मी, और मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं ले जाऊँगा। पानी भी नहीं ले जाना चाहता है, वहीं से ख़रीद लेता है। लेकिन रोज़ रोज़ मैं कहती हूँ कि ले जा पानी, अब तो उसकी बोतल भर के रख देती हूँ, टिफ़िन बना के रख देती हूँ, कोई फल फ्रूट होते हैं तो वो रख देती हूँ। कई बार फल पड़े होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें, एक बार इसका टिफ़िन बनाना ज़रूरी होता है। शिप्राती तो वो अपना उधर से टिफ़िन बनाती रहती थी और मैं यहाँ आ जाती थी। वो कई बार मुझे कहती थी कि मम्मी मैं बना रही हूँ तो 2 पराठे भैया के मैं ही बना दूँगी, आप मत फैलाओ इतना काम। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं नहीं हमारा काम नहीं, मैं अपना काम मैं करूँगी, तू तेरा काम कर ले। तो कई बार मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो वो दे भी देती थी, तो एक सहारा था उसका भी, कि जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी तो टिफ़िन वगैरह वो ही बना के दे देती थी, नाश्ता भी वही बना के दे देती थी। तो बस अब जो एकदम चली गई है तो थोड़ा सा, अब आप लोग कहते हैं कि भूलूँ तो ऐसे तो नहीं भूल सकती मैं, छोटी छोटी बातों में उन लोगों की याद आती है। तो बस चल रहा है अब अपना रूटीन मेरा शुरू है, और ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के बहुत कमेंट आए कि अब आप है ना अपने ऊपर ध्यान दें, तो मैं अपने ऊपर भी देती हूँ ध्यान, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने ऊपर नहीं देती। मैं मतलब आप हंसेंगे, मैं ये कहूँगी कि मैं ऑलराउंडर ही हूँ, मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ तो मैं अपना भी ध्यान रखती हूँ, अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ, अपने भगवान का भी ध्यान रखती हूँ, और सभी तरह का ध्यान रखती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बीमार होती हूँ जब मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो ये यहाँ पर मैं सौंफ का पानी कर रही हूँ बेटे के लिए, और उसके बाद वो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ठाकुर जी को कैसे नहलाती हूँ। थोड़ा सा बैठने में दिक्कत आती है मुझे, लेकिन आजकल मैं बैठ के सेवा करती हूँ ठाकुर जी की, क्योंकि कई लोग कहते हैं, और मेरी सास हैं जो भी अभी हैं, वो मेरी सेकंड जो सास हैं, वो अभी भी काफ़ी ध्यान रखती हैं अपने शरीर का। तो वो बोलती हैं कि ज़मीन में बैठ के किया करो कोई काम जिससे गोड़े सही रहते हैं। तो फिर वो तो अभी तक ही ज़मीन में बैठ के जैसे खाना खाती हैं या ठाकुर जी की सेवा करती हैं, काफ़ी 80 साल की हैं वो फिर भी,
तो मैंने भी आजकल सोचा है कि मैं भी जमीन में बैठकर ठाकुर जी की सेवा करूं, तो फिर मैं भी वही करती हूं। तो आपको आगे दिखाऊंगी कि जमीन में बैठ के करने से थोड़ा सा दिक्कत तो आती है बैठने उठने में, गोड़े बहुत ख़राब है मेरे, तो ज़मीन में बैठने पर काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन अपने रूटीन को सही करने के लिए मैंने कुछ कुछ चेंज किए हैं अपने आप में, और थोड़ा सा मैं व्यायाम भी करती हूँ जो आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। वीडियो में कभी दिखाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे शर्म से आती है व्यायाम वगैरह दिखाने में, तो वो नहीं दिखाती। मैं करती ज़रूर हूँ, काफ़ी टाइम से करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी दे रही हूँ बेटे को, और उसके बाद नाश्ता दूंगी, और फिर बस वो जाएगा, उसके बाद अपनी सेवा करेंगे। तो कैमरे में नहीं आता है बेटा मेरा, वो नहा रहा है। और एमी क्या है कि जैसे ही हम उठते हैं ना, वैसे ही खुद सो जाती है पलंग में आके। आजकल ठंड सी आ गई है तो वो सो जाती है पलंग में आके, चादरों के ऊपर। रूम मेरा फैल रहा है थोड़ा, रात को हम चाय जैसे पटक के सो जाते हैं। तो देखिए एमी आराम से सो रही है, हटती नहीं है। बेटा आता है जितने में मैं अपने बेडशीट वगैरह मतलब सेट कर लेती हूँ, इनको तय करके रख देती हूँ। तो छोटा छोटा काम वो जो है ना, वो एक पंथ दो काज हो जाते हैं अगर करते रहें हम तो। जैसे कि मेरा टिफ़िन बन चुका है, तो पानी भी गर्म करके रख दिया है मैंने बेटे के लिए, तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा रूम को सेट कर लूँगी। तो इस तरह से क्या है कि ये काम भी हो जाएगा और मेरा बाकी का काम हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी। और इस वीडियो में नहीं दिखाई है मैंने सफाई वगैरह, लेकिन सफाई करूँगी और फिर मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी, क्योंकि गंदे घर में मेरे से तो नहीं होती। पहले थोड़ा सा, चाहे आप मंदिर वाला कमरा ही हो तो उसको साफ कर लें, उसके बाद भगवान की सेवा करें। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं पहले पूरा घर सेट कर देती हूँ, बेटा जाता है उतनी देर में मैं पूरा सेट कर देती हूँ। तो अब बेटा जा रहा है, टिफ़िन वगैरह रख रहा है, और इसके जाने के बाद मेरा भगवान का रूटीन शुरू होगा। तो मेरा पूरे दिन का जो काम है ना, वो बिल्कुल टाइमली मैंने सेट कर रखा है कि किस वक्त मुझे क्या करना है, किस वक्त मुझे क्या करना है। इससे मैं मतलब सुबह के 12 बजे तक पूरे काम से मतलब फारिग हो जाती हूँ, और उसके बाद चाहे मैं कुछ भी करूँ अपने कामों को, चाहे मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ वीडियोज़ की, चाहे और कोई काम करने होते हैं तो वो करती हूँ। तो बस जा रहा है बेटा, और बहुत लेट आया था आज तो मेरा बेटा, 6 बजे आया था। क्योंकि शिप्रा और अथक चले गए तो मेरा तो मन लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बेटा भी चला जाता है और मैं बहुत ज़्यादा अकेली रह गई हूँ। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। तो यहाँ पर और अब मैं आ गई हूँ ठाकुर जी के मंदिर में। अब मैं ठाकुर जी को जगाऊंगी, और मास्टर जी घंटी बजा के जगाया करते थे। पहले ठाकुर जी को बैठाते थे, उसके बाद नहलाते थे। तो ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा कुनकुना पानी करने लगी अब मैं, क्योंकि ठंडा पानी बहुत होता है। तो जिस तरह से हम कुनकुने पानी से नहाते हैं, उसी तरह ठाकुर जी को भी थोड़े से कुनकुने पानी से नहलाती हूँ। दूध दही होता है तो दूध दही से नहला देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास केवल दूध है तो मैं दूध से नहला दूँगी। और भगवान के जो ये अगरबत्ती वाली प्लेट वगैरह है वो साफ़ कर दूँगी। और अभी बर्तन तो मैंने मांजते हुए नहीं दिखाया है, मैंने नहीं मांजे थे आज ठाकुर जी के बर्तन। लेकिन यहाँ पे मैं गर्म पानी कर रही हूँ ठाकुर जी के लिए, बिल्कुल कुनकुना सा, और दूध से नहलाऊंगी ठाकुर जी को। तो बस अब मैं बैठ के कर रही हूँ, और बैठना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत वाला काम है कि गोड़े बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ रख लेती हूँ जिससे मुझे बार बार नहीं उठना पड़े। तो इस घंटी बजाते हुए ठाकुर जी को नहलाते थे मास्टर जी, तो बस वो ही चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने ठाकुर जी की सेवा उनसे ही सीखी थी। हमारे यहाँ पियर में नहीं थी ठाकुर जी की सेवा, तो मैंने मास्टर जी से ही सीखा ये सब कुछ। तो जैसे मास्टर जी ठाकुर जी को नहलाते थे, उसी तरह मैं भी स्नान करा देती हूँ ठाकुर जी को। और उसके बाद अभी दूध से नहला रही हूँ, फिर पानी से नहला दूंगी,
और इनको पहुँच के, इनका जो रुमाल है उससे पहुँच के, और इनको कपड़े पहना दूँगी, गहने पहना दूँगी। तो मास्टर जी खूब तैयार करते थे इनको, सभी चीज़ें इनके कानों में भी गहने पहना देते थे, गले में हार पहनाते थे, और हाथों में जो कड़ी वगैरह होते हैं वो पहनाते थे। तो मैंने तो इनकी जो बिंदी बिंदी है लगा रखी है ठाकुर जी की, हटाई नहीं है। मास्टर जी भी लगाए रखते थे और कानों में भी चिपकाने वाले पहना देते थे। तो अभी तो मैंने कानों के रख दिए, इनके छोटे लेके आऊँगी मैं और फिर पहनाऊँगी। नहीं तो मैं भी, इनमें क्या है कि जब त्यौहार वगैरह होता है तो इनके कानों में भी बड़े बड़े बालियाँ चिपका देती हूँ। फिर अभी मुझे यूँ लगता है कि ज़्यादा गहनों से ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े गहने पहना देती हूँ मैं ठाकुर जी को। तो इनका हार है और इनके कड़े हैं, इनकी बांसुरी ज़रूर रखनी पड़ती है, और कपड़े इनके बहुत सारे रखे हुए हैं। शिप्रा भी बहुत लेके आती थी, बहू भी ले आती है। तो बस इनके कपड़े बहुत सारे हैं, डेली बदलो तो भी कमी नहीं पड़ती है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो जब मैं इनके कपड़ों को धोऊंगी तब भी आपको वीडियो बना के बताऊँगी कि किस तरह से कपड़े धोते हैं। मास्टर जी तो साबुन वगैरह तो नहीं लगाने देते थे, वो वैसे ही धोते थे, पर मैं तो वो कहते थे साबुन से नहीं धुलते हैं इनके कपड़े, पर मैं धो देती हूँ इनको कपड़ों को, साबुन ही लगा देती हूँ। और क्या करूँ, कैसे साफ़ करूँ, मुझे तो समझ नहीं आता है किससे धो। तो ये मैंने देखी ठाकुर जी की को तैयार कर दिया है, और बड़े प्यारे लगते हैं ठाकुर जी, और अब मैं इनको रख दूँगी। मंदिर को इसलिए ऊँचा बना रखा है कि कोई चप्पल वगैरह आए तो भी मंदिर में ना आए, तो कई बार ऐसा होता है अंदर तक चप्पल ले आते हैं तो फिर भगवान जो मंदिर ऊंचा ऊंचा है तो उससे क्या है, ऊंचे रहते हैं भगवान। और अब मैं ये प्रसाद है जो बादाम कल के होते हैं उनको क्या है भिगो देती हूँ, बाकी नया फिर इनका जो भोग है वो रख देती हूँ। इसके बाद जब दूध आता है तब आपको मालूम है कि दूध 10 बजे आता है और मैं 10 बजे सारा दूध इनको चढ़ाती हूँ। एक दिन पहले का दूध अपने काम ले लेती हूँ, बाकी 10 बजे का दूध जो ताज़ा आता है वो इनके लिए रखती हूँ। और ये बादाम अपने बेटे के लिए भिगो देती हूँ, अथक था तो अथक को भी दे देती थी, दोनों को ये भीगे हुए बादाम दे देती थी। और अब मैं इसमें इनके दिया जला रही हूँ, और यहाँ तक की तो सेवा मेरी हो गई, और अब मैं बैठ के जो है अपने गीता पाठ करूँगी, और उसके बाद जो है अपने कोई भी मंत्र मैं बोल लेती हूँ, जो भी मंत्र मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे गायत्री मंत्र है चाहे कुछ भी है। वैसे गायत्री मंत्र को तो मैं सुन लेती हूँ, मुझे मास्टर जी ने एक ला के रखी थी, क्षितिज ने एक मंगवाई थी मास्टर जी के बाद, जिसमें सारे भजन हैं वो भजन चला देती हूँ। अभी मेरी शादी में अस्त व्यस्त हो गई हैं चीज़ें, तो वो भजन मैं चला नहीं पा रही हूँ, ढूँढूँगी पहले कहाँ रखी है मैंने वो भजन की एक, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, रेडियो सा समझिए, प्लग लगाने से उसमें बजने लगता है। अब देखो एमी मुझे पाठ भी नहीं करने देती है, ऐसे भौंकती भी बहुत है, कुछ भी नहीं करने देती है। तो मैं अपना पाठ करती हूँ, उसके बाद वो सोचती है पता नहीं क्या कर रही है बैठ के, तो क्योंकि मैं बैठती कम हूँ, तो जब मैं बैठती हूँ तो वो मेरे पास आके सूंघती है मुझे, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो यहाँ पर मैं गीता का पाठ कर रही हूँ, 2 पेज मैं रोज़ कर लेती हूँ, 2 पेज में काफ़ी अध्याय हो जाते हैं गीता के। और फिर उसके बाद मैं अपने मंत्र बोलती हूँ, मैंने कई मंत्र याद कर रखे हैं भगवान के, वो मैं बोलती हूँ, तो इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। आप लोग सोचते हैं जैसे कि मैं भक्ति नहीं करती, भगवान की भक्ति मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान पर, और मुझे शांति भी मिलती है। बहुत सारे व्रत होते थे पहले मेरे, अब मेरे एकादशी और पूर्णिमा का व्रत ही होता है केवल, लेकिन व्रत भी जिस दिन होता है उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है कि मुझे कोई भूख नहीं लगती, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं खा लूँ कुछ। हाँ डायबिटीज है तो मैं फल वगैरह खा के और फिर अपने दवाई ले लेती हूँ। तो बस हो गया मेरा पाठ, पूजा मेरी हो गई, और बस अब मैं अपने जो नाम है भगवान के वो लिखती हूँ। तो वो पहले आपको दिखाया करती थी, लेकिन अब
दिखाती नहीं हूँ आपको वीडियोस में, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरी भक्ति कम हुई, कम नहीं हुई मेरी, मेरी सारी वो ही चल रही हैं चीज़ें जो मैं किया करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं सभी भगवानों के नाम लिखती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक ही भगवान के नाम लिखूँ, मैं राम, श्री राम के नाम भी लिखती हूँ, श्री कृष्ण के नाम लिखती हूँ, गणेश जी का नाम लिखती हूँ, तो सत्यनारायण जी का नाम भी लिख लेती हूँ मैं, कई तरह के नाम, भगवान के कई नाम लिखती हूँ।